Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sangwal Tashli, this is Lapsang here. Okay, so it's night time and मैंने ये video बहुत मतलब एकदम से बनाए हैं because I got around 13 to 14 DM on my Instagram. People asking me कि आप चुंग चुंग को flight पे कैसे लेके गए. So मुझे कुछ काम था मुंबई में एंड आई कुडंट लीव चुंग चुंग अलोन सिंस एवरीबॉडी नोज कि हम मतलब आई लव हिम अलाउड एंड आई कांट लीव हिम एनीवेयर. मैं और जैन अगर कहीं जाएंगे तो चुंग चुंग को साथ पे लेके ही जाएंगे. सो द थिंग इज इंडिया में ओनली एयर इंडिया अलाउस पेट, चाहे वो कार्गो में हो चाहे वो कैबिन में हो. सिर्फ एयर इंडिया है जो आपको अलाउ करते हैं पेट. एंड ओके ही इज ईटिंग ही स्ट्रीट, नहीं नहीं चपा के खा रहे. ओके सो द यू डोंट हैव टू बुक अ टिकट फॉर हिम. मैंने मेरा और जैन का एयर इंडिया से टिकट किया. एंड जब टिकट बुक करते हो, जब तुम खुद तुम्हारा सीट चूज करने का वो आते हैं ना, यू हैव टू चूज द लास्ट सीट बिकॉज इट्स वेरी लाइक इट्स कंपल्सरी टू चूज द लास्ट सीट बिकॉज ताकि यू नो अदर पैसेंजर को डिस्टर्ब ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसलिए हमको लास्ट सीट चूज करनी होती है. एंड ऑल्सो अगर आपका फ्लाइट 7 बजे है तो आपको मतलब 3 बजे तक ना 3 बजे तक 3:30 तक आना होगा. क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, आपको थोड़ा पहले जल्दी आना होगा क्योंकि मुझे चुंगचुंग के लिए बहुत टाइम लगा, बहुत बहुत टाइम लगा. चुंगचुंग के लिए क्या क्या चाहिए, जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, उसकी सारी जो वैक्सीनेशन होती ना, आपकी पैट की सारी वैक्सीनेशन जो बुक होती है, सबके पास बुक होती है ना वैक्सीनेशन डिटेल्स का, वो चाहिए होता है. एक आपको डॉक्टर से आपकी जो वेट होती ना, आपकी पेट की वेट का, उसका एक ना लेटर चाहिए होता है कि हाँ ही इज फिट, ही और शी इज फिट टू फ्लाई, एक वो चाहिए. दैट्स इट, नथिंग एल्स. और हाँ, अगर आपको अपने पेट को अपने साथ फ्लाइट के अंदर लेके जाना है तो वो 5 किलो से कम होनी चाहिए, 5 किलो से कम. तो वो 5 किलो से कम होना चाहिए विद बैग. एक्चुअली उसको ना आपके पेट को ना एक बैग चाहिए होगा जो लाइक फुल्ली वेंटिलेटेड होना चाहिए. जैसे कि मैंने ये लिया है, मैंने अपनी इससे, यू हैव टू कंसल्ट योर वेट ऑल्सो, मैंने अपने वेट से कंसल्ट किया है. ऑफकोर्स देखो ये एक साइड से है, यहाँ पे पूरा जाली है जहां से वो क्या बोलते हैं उसको, सांस ले पाएगा. ये साइड से है जाली, ये पीछे तो नहीं है, ये ऊपर साइड से जाल है, ये साइड से. सो यू कैन सी ये पूरी फुली वेंटिलेटेड होने चाहिए. और ये नहीं कि इसको चुनझुन को इसके अंदर डाल के फिर वो लोग वेट करते हैं. वेट करके अगर 5 किलो से ज़्यादा हुआ तो आपको अपने पेट को कार्गो में भेजना होगा. वैसे भी आप फ्लाइट से पहले ही आपको खुद ही कहीं और जाके चेक करना होगा कि आपका पेट 5 किलो से ज़्यादा है कि कम है. ठीक है, फॉर्चुनेटली चुंगचुंग वाज ओनली 4.8 kg समथिंग. या सो चुंगचुंग का इतना हुआ तो इसका चार्जेस हमें लगा अराउंड 3150 समथिंग चार्जेस लगा दिल्ली टू मुंबई के लिए. और ये चार्जेस जो पेट का जो चार्जेस होते ना, वो जैसे आपकी एक्स्ट्रा बैगेज होते ना जो उसका जो 1 kg 2 kg ऐसा का चार्ज लेते ना, सेम आपकी अगर आपका पेट का सिर्फ 3 किलो है तो उसके 3 किलो मुताबिक चार्ज करेंगे. तो मेरा चुंगचुंग का तो मुझे 3000 कुछ पड़ा. ओके चुंगचुंग, गुड गुड बाय. चुंगचुंग
चुंग चुंग दे 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 हियर हियर अगर आपका पैड 5 किलो से ज्यादा हो तो यू हैव टू रीच द एयरपोर्ट लाइक 4 आवर बिफोर, 4 घंटा पहले पहुंचना होगा, क्योंकि आई स्वेयर ट्रस्ट मी इट्स वेरी इरिटेटिंग, इट्स वेरी लाइक लॉन्ग प्रोसेस एक्चुअली. यू हैव कार्गो सेक्शन 5 किलो से जो ज्यादा होते ना वो इसमें नहीं डाल सकते, वो आपको फिर अपने वेट पैट शॉप में बोलना होगा कि एयर इसका प्रूफ जो होता ना एक ऐसे डब्बा सा आता है, बॉक्स सा आते हैं, उसमें लेके जाना होगा. सो आई एम नॉट लाइक आई डोंट हैव मच डिटेल्स अबाउट द कार्गो सेक्शन सिंस आई डिडंट हैव टू कैरी हिम ऑन दैट. तो मैं तो उसको कैबिन में ही लेके गई थी. तो कैबिन में अब मेरा ये हुआ था, चुंग चुंग को लास्ट मिनट तक अंदर जाने नहीं दिया उन लोगों ने. एयरलाइंस वालों ने बोला कि आपको पायलट की येस तक वेट करना होगा. मेरी तरह गलती मत करना, मेक श्योर टू कैरी योर पैट मजल. मजल लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट टू शो दैट येस यू हैव द मजल इन केस समथिंग हैपेंस. तो मंजिल बहुत ज़रूरी है. तो मुझे वहाँ पे एयरपोर्ट पे मंजिल लेना पड़ा, विच वॉज मोर एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल वन. तो बहुत बुरा लगा, दिल से बुरा लगा. एंड बस इतना ही है. आपको लास्ट मिनट तक, 7 बजे फ्लाइट उठने वाली होती है, 6:55 तक रखते हैं, तब जाके हम दोनों अंदर घुसे एंड आराम से बैठा. एंड इवन इन द फ्लाइट आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि चुंगचुंग को कुछ ना हो. एक होते ना इधर आओ, लेट मी शो यू. एक होते ना चुंगचुंग को क्या क्या था, मुझे पूरा टाइम ये था कि ये आवाज ना निकाले, क्योंकि ये हमेशा ना आवाज निकालते जब हम बाहर घूमने जाते हैं, ऐसे आवाज निकालते हैं ये. तो मुझे ये था कि अगर इसने बाग किया या फिर आवाज निकाला तो जो दूसरे पैसेंजर है दे विल गेट डिस्टर्ब ऑफ कोर्स, बिकॉज सी नॉट एवरीवन लव्स डॉग्स, डजंट मैटर, वैसे सबको नहीं पसंद होते, तो पीपल माइट गेट यू नो डिस्टर्ब्ड. तो आई वॉज वेरी यू नो नर्वस अबाउट. आई केप्ट अ लॉट ऑफ ट्रीट जो चुंग चुंग को बिजी रखे. मेक श्योर ही कैन सी माई फेस, तो थोड़ा उसको ना काम होगा ना कि हाँ भाई मम्मी है मेरे पास. एंड थ्रू आउट द यू नो जर्नी आई वॉज लाइक चुंग 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 चुंग. जब वो सोता है ना फिर मैं थोड़ा सो जाता हूँ, फिर मैं बीच में उठता हूँ, देखता हूँ. आई वॉज लाइक कीप मेकिंग श्योर कि ही इज नॉट स्केर्ड, ही डजंट गेट फील दैट मच अनकम्फर्टेबल. तो हमारा जर्नी ऐसा रहा. अब मुझे मुंबई से दिल्ली वापस जाने के लिए भी आई एम वेरी नर्वस एक्चुअली, क्योंकि चुंग चुंग दिन ब दिन मोटा होते जा रहे हैं. एंड इन केस इफ ही एग्जिट्स 5 kg आई हैव टू ट्रांसफर हिम टू कार्गो सेक्शन, विच आई डोंट थिंक ही विल लव, क्योंकि वो अकेला रहना नहीं पसंद है. तो आई होप वो 5 किलो से ज्यादा ना हो. दैट्स इट. कैसे आवाज निकल खड़ी के. वन मोर थिंग, फ्लाइट से पहले अपने डॉग को सोने नहीं देना. यस यस यस. सो मैंने क्या किया, ओके चुंग चुंग स्टॉप, आई एम टॉकिंग ना, मेरे मम्मी ना ना जू जू, ही वांट्स टू गो 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 गो, आई हेट यू. सो वन थिंग मैंने क्या किया पता है, मैंने चुंग चुंग को रात को सोने नहीं दिया. आई नो इट साउंड्स वेरी मीन, बट द थिंग हम घर से 2:30 निकले थे, 3:30 पहुंचे थे. हमने पूरा रास्ता उसको सोने नहीं दिया ताकि ये फ्लाइट में थोड़ा थक जाए और सो जाए. यू नो वी मेक श्योर, आई वांटेड टू मेक श्योर दैट ही गेट्स सुपर टायर्ड एंड
सो जाए वो फ्लाइट में, इन केस मतलब कुछ हो ना. सो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि ज़्यादा थका हुआ हो. इवन हम फ्लाइट में भी एयरपोर्ट जब आए थे ना, तो उन लोगों ने जब बोला था रुक जाओ, तो मैं ना एयरपोर्ट में भागा दौड़ी बहुत किया इसको लेके, बहुत भागा दौड़ी किया ताकि ये थोड़ा थक जाए. अगर ये थक गया ना तो ये ही डजंट बार्क. तो यही था, दैट्स इट, बाय बाय. जो ये क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम ने जिन ने पूछा कि आपने चुंगचुंग को कैसे लेके गए, तो ये उनके लिए है वीडियो. आई होप थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो आपके लिए. नेक्स्ट टाइम इफ यू आर ट्रेवलिंग एनी वेयर एंड इफ यू वॉन्ट टू कैरी योर पेट विद यू, तो यू कैन वॉच माई वीडियो. इवन दो आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट एक्सप्लेनिंग वट आई वेंट थ्रू. दैट्स इट. थैंक यू फॉर गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर बियरिंग मी. दैट्स इट. थैंक यू फॉर लविंग मी. आई लव यू ऑल. I love you all. Such me, मैं बहुत खुश हूँ. Thank you for supporting me all the time. And also, bye bye bye. चुंग चुंग की तरफ से भी bye bye. I love you. I love you. Bye 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 bye.